सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट। दुनिया के खत्म होने की अक्सर भविष्यवाणियां की जाती है। भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस और बाबा वेगा समेत कई भविष्यकर्ताओं ने बताया कि आखिर दुनिया कब खत्म होगी। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद महाविनाश की घड़ी भी बनाई है। बताया गया है कि इस घड़ी में 12 बजते ही यह तय हो जाएगा कि ये धरती इंसानों के रहने लायक है या नहीं। इसके अलावा दुनिया में टाइम ट्रेवल होने का भी दावा करने वाले कई लोगों ने भी धरती पर पर्ले आने को लेकर अलग अलग तारीख बताई है। कुछ समय पहले एक स्टडी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि दुनिया कब खत्म होगी। जी हाँ दोस्तों, धरती पर इंसान और जीव जंतु कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वैज्ञानिकों ने एक लंबे शोध के बाद दुनिया के खत्म होने की तारीख बताई है। सबसे हैरानी वाली तो बात यह है कि पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। धरती पर हर तरफ सिर्फ तबाही ही नजर आएगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर धरती पर पर्ले कब आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने बताया कि पर्ले आने में अभी काफ़ी लंबे वक्त है। जहाँ पर ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने यह शोध किया है कि उन्होंने इस शोध को करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों ने इस शोध से यह जानने की कोशिश की है कि धरती पर कब पर्ल की स्थिति आएगी। इस शोध के नतीजे बेहद हैरान करने वाले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 250 मिलियन साल में पृथ्वी पर पर्ल आ सकता है और उस दौरान सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि उस समय धरती का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ऐसे में किसी जीव का जिंदा रहना असंभव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जीव खत्म हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि जिस तरह से दुनिया कार्बन उत्सर्जन कर रही है, उससे पर्ल की घड़ी जल्द भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि 66 मिलियन साल पहले ही सब कुछ तबाह हो जाए। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर के खत्म होने के बाद यह पहली सामूहिक तबाही होगी। डॉक्टर अलेक्जेंडर इस शोध को करने वाली टीम के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि पर्ले के समय वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 2 गुना हो सकता है। इसी वजह से पसीने के जरिए इंसान के शरीर से निकलने वाली गर्मी नहीं निकल पाएगी। लोगों का शरीर तेजी से गर्म होगा और उसकी जान चली जाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के सभी महाद्वीप एक साथ मिल जाएंगे और एक विशाल द्वीप का निर्माण होगा। धरती डोनेट का आकार ले लेगी और बीच में महासागर होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के ज़्यादातर हिस्से प्रशांत महासागर में डूब जाएंगे। पहले धरती का तापमान बढ़ेगा और यह निर्जन हो जाएगी। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, पर्ले आने में अभी काफी समय है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट।